गिरिराज धाम गोवर्धन में महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर गोवर्धन के शिव मंदिरों में हो रही हैं तैयारियां। महाशिवरात्रि पर शिवजी पर जल चढ़ाने के लिए कांवड़िया अपने कंधों पर कांवड़ लेके जाते हुए दिखाई दे रही हैं। भोले बाबा के जयकारे लगाते हुए भी चल रहे हैं। महाशिवरात्रि को लेकर शिव भक्तों में काफी उत्साह भी दिखाई दे रहा है और कई किलोमीटर से जल लेकर अपने अपने मुकाम पर पहुंचने में लगे हुए हैं। शिव भक्तों के स्वागत सम्मान के लिए जगह जगह भंडारे भी चल रहे हैं और जगह जगह उनका सम्मान भी किया जा रहा है। जब मथुरा अंचल की टीम ने महाशिवरात्रि को लेकर शिव मंदिर के महंत से जानकारी की आखिर क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि और क्या है इसका महत्व, तो सुनिए शिव मंदिर के महंत ने क्या जानकारी दी। महंत सम्मुनाथ जी, महंत जी क्या कहें, कल की शिवरात्रि है और देखा जाए क्या तैयारियां चल रही है अपने मंदिर में, किस तरीके से मनाते हैं महाशिवरात्रि को? शिवरात्रि को सरकार जैसे दीपावली घर घर मनाते हैं लोग, वहाँ उसी प्रकार से सजावट करके पुताई करके वहाँ शिवरात्रि को बढ़िया पूर्वक सजा धजा करके बाबा का श्रृंगार करके मनाया जाता है। रात को फिर शिवरात्रि की रात की 12 बजे क्या नाम है रात की पूजा होती है काल रात्रि की, उसमें चामर का श्रृंगार होता है बाबा का, तो वो रात को अभिषेक भी होता है रात को। फिर दूसरे दिन खप्पर पूजा होती है 12 बजे के बाद में, वो खप्पर पूजा का भी परंपरा शुरू चली आ रही है। आखिर ऐसा क्या महत्व जो महाशिवरात्रि मनाते हैं? महत्व ये है कि ये सालगिरह मनाई जाती है शंकर जी की। अच्छा, शंकर जी का इस समय पर शंकर जी का विवाह हुआ था गौरा पार्वती जी से, तो उसी दिन से ये सालगिरह मनी आ रही है शिवरात्रि महाशिवरात्रि। तो यहाँ जो मंदिर में है कहाँ कहाँ से श्रद्धालु भक्त आते हैं अपने यहाँ? श्रद्धालु सरकार हमारे गोवर्धन तो पूरा आता ही आता है, अगल बगल के ये भी जितने गांटोली नीमगाम मोहम्पुरा पाले जमनामता मेहमतपुर और भी बाहर के भी मथुरा तक के भी बंदे आ जाते हैं। और कांवरिया वालों का आज जज्जू शाम को पूरा रहेगा। प्रशासन की कैसी व्यवस्था रहती है? प्रशासन की व्यवस्था तो वैसे बढ़िया रहती है, लेकिन हमको यहाँ प्रशासन से ज़्यादा हम खुद ही व्यवस्था साध लेते हैं।